हेलो स्टूडेंट्स, हमने सिक्स स्टैंडर्ड का नोविंग और नंबर ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हमने पढ़े हैं। तो ठीक है, तो आपको आज पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 11। इसके पहले के क्लास में देखो हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ये क्या होती है और उसके कॉमर्स कैसे होते हैं ये हमने पढ़े हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के रिप्लाई आए थे कि एक्सरसाइज टीचर पूरे सॉल्व करके दो। तो देखो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है आपकी, 13 क्वेश्चन है और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जैसे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये एक आपका नया टॉपिक था, है ना। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ कॉमर्स इंसर्ट करने हैं और एक्सपांडेड फॉर्म है जो कि आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हुआ है और इस क्लास में भी हमने सीखे है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपको ही सॉल्व करनी है। इसके बाद देखो हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ना है? कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो कंपैरिजन आपको पता है जैसे कि 2 और 3 में सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आता है। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो जो भी बड़ा होता है उसके तरफ हम क्या देते हैं? साइन। तो फिर ये लेस देन, फिर 3 इधर साइड। अगर सपोज 3 इस साइड है तो 3 इस साइड है और 2 इस साइड है तो 3 ही बड़ा है, तो 3 के तरफ ही साइन जाएगा। फिर इस साइन को कहते हैं हम लेस देन और जो सेकेंड साइन है इस साइन को क्या कहते हैं? लेस देन। और इस साइन को कहते हैं हम ग्रेटर देन। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका जो कंपैरिजन ऑफ नंबर है ना। लेकिन हमें क्या दिया है, जैसे ये 1 डिजिट्स के नंबर थे, है ना, 2 और 3 सिर्फ 1 डिजिट है। तो वहाँ पर बहुत सारे दिए होंगे, मतलब 5 डिजिट्स का या फिर 4 डिजिट्स का, जैसे कि 4321 4 4 3 2 9। अभी देखो फिर जब कंपैरिजन करेंगे इसकी तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट देखिए 4 है और 4 है, सेकंड डिजिट यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, थर्ड डिजिट देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, जो लास्ट वाला है या फिर जो सेम नहीं है नंबर, 1 और 9 है, 1 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 के तरफ साइन। ओके, सिंपल कंपैरिजन है। इसके बाद हमें पढ़ना है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये समझ में आया आपको? ओके चलो, तो हम लिखेंगे सक्सेसर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर मीन्स ना, सक्सेसर मीन्स क्या होगा? प्लस वन। प्लस वन मतलब एक स्टेप आगे। जैसे कि कॉमन नंबर है ए, अगर ए का मुझे सक्सेसर निकालना है तो मैं लिखूंगी ए प्लस वन। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल 9 का मुझे सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर मतलब सक्सेस होना, आगे जाना। आगे जाना कौन से, कितने स्टेप से? 1 स्टेप से, 1 डिजिट से आगे जाएंगे। 9 प्लस 1 क्या होगा? 9 प्लस 1 10। मीन्स 10 इज अ सक्सेसर ऑफ 9। 10 इज अ सक्सेसर ऑफ 9। और प्रेडिसेसर अगर कहा है तो प्रेडिसेसर मतलब पीछे आना, कितने स्टेप से? 1 स्टेप से। मीन्स ए माइनस वन, इन जनरल हमने लिखा ए माइनस वन। सपोज मुझे 9 का ही क्या निकालना है? सक्सेसर निकालना है, तो क्या होगा? 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 कितना है? 8। मीन्स 8 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 9 एंड 10 इज अ सक्सेसर ऑफ 9। तो अभी ये सिंगल डिजिट है ना, 9 एक छोटा नंबर था। कभी कभी क्या हो सकता है, दो डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स का भी हमें नंबर दिया रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज 1.2, तो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 में सक्सेसर, प्रेडिसेसर और कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखो 2 दिए हैं, तो हम फर्स्ट है। राइट डाउन द 3 कॉन्जिगेटिव नंबर ऑफ सक्सीडिंग 70,259। क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 12 आप ओपन कीजिए और साथ में लिखिए। तो हम करेंगे, ठीक है। 70,259 क्या निकालना है? सक्सीडिंग कहा मतलब सक्सेसर निकालना है। अगर प्रेडिसेसिंग कहा होता तो प्रेडिसेसर निकालते हैं। तो 3 कॉन्जिगेटिव सक्सीडिंग ऑफ किसके निकाल रहे हम? 70,259, मतलब 70,259 3 निकालने हैं और मतलब कंटिन्यूसली निकालने हैं। क्या कहा? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक,
जो एक के बाद एक सक्सेसर आएगा वो कंटिन्यूसली 3 निकालने हैं, तो क्या होगा 7 0 2 5 9 प्लस 1, सक्सेसर मीन्स प्लस 1 होते ना, तो क्या होगा यहाँ पर 70,300। ओके उसके बाद 7 0 2 5, उसके बाद इसके इसमें ऐड करेंगे 7 0 3 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 7 0 3 0 1, उसके बाद 7 0 3 0 1 फिर से प्लस 1 7 0 3 0 2, मतलब जो हमें सक्सेसर मिले कौन कौन से मिले, 7 0 3 0 1 सेकंड, 7 0 3 0 1 और 7 0 3 0 2, मतलब 70,300, 70,301 एंड 70,302। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्या निकालने हैं, सक्सेसर निकालने हैं। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स प्रिसाइडिंग 37,201। यहाँ पर हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है, वहाँ पर हमें प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है, लेकिन जो नंबर है वो अलग दिया है, तो वहाँ पर हर जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस 1, फिर जो आंसर आएगा फिर से उसमें माइनस 1, फिर जो आंसर आएगा फिर से उसमें माइनस 1, मतलब 3 बार हमें माइनस 1 करना है, तो आपको ये करना है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 151 एंड 168। तो आपको ऑड नंबर और इवन नंबर पता है ना, इवन मींस क्या होता है, दोज नंबर हुज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल अगर हमने 18 लिया, तो 18 ये 2 से डिवाइड है क्या, है ना, चलो 18 डिवाइडेड बाय 2, तो चेक कैसे करेंगे, 9 2 18, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब होता है कि 18 इज डिविजिबल बाय 2। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब कोई भी नंबर आया 1 2, कुछ भी अगर डिजिट्स यहाँ पर रिमेन है, तब वहाँ पर कहेंगे कि 18 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया, तब ऐसे टाइम पे कहेंगे कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर मीन्स क्या होता है, दोज नंबर हुज डिविजिबल बाय 2। लेकिन ऑड नंबर मीन्स इसका उल्टा, ऑड मीन्स दोज नंबर हुज नॉट डिविजिबल बाय 2। आपने 5th तक पढ़ा है ना, तो जैसे कि 23 ऑड नंबर है क्या, 2 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 या फिर कोई भी रिमाइंडर आया, कोई भी डिजिट्स रिमाइंडर आया, इसका मतलब दिस नंबर इज ऑड नंबर। तो आपको उसमें जो 151 है, 151 और 168, तो इन दो नंबर्स के बीच कितने ऑड नंबर आते हैं वो आपको लिखना है, तो आपको इसे खुद ही करना है। मैंने कंसेप्ट समझा दी, आपको इवन नंबर पता है और साथ ही में ऑड नंबर पता है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, जो कि आपका हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में असेंडिंग दिया है, तो फोर्थ क्वेश्चन में डिसेंडिंग दिया है, जो कि आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ ग्रेटर, जो हमने अभी पढ़े कंपैरिजन ऑफ नंबर करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना, तो उसमें जैसे कि फर्स्ट है, कौन सा फर्स्ट है आपका, देखो 4356, 4982, 4270, 4451। तो इन चारों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखना है, जो कि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू जो भी बड़ा नंबर है, और स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू जो कि छोटा नंबर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर, हमें एक 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग अ डिजिट्स, हमें डिजिट्स दिए हैं, कौन कौन से डिजिट्स यूज करना है, 1 4 3 5 0 एंड 7, हमें क्या फॉर्म करना है, एक नंबर फॉर्म करना है, और वो भी बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर फॉर्म करना है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट देखो कौन सा है, 7 है, उसके बाद कौन सा दिख रहा है, 5, उसके बाद 4, 3,
थ्री के बाद सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? वन, और लास्ट वाला जीरो। मतलब जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 7,54,310। ये बड़ा नंबर फॉर्म हो रहा है। वैसे ही सेम क्वेश्चंस, ये सेवन क्वेश्चन आपको लिखना है। साथ ही में एट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर ये भी आपको पता है और ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर ये भी पता है, तो दोनों का क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब क्या निकालते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट ईच ओनली वंस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है? 9 करना है। ठीक है, आपको जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो भी हार्ड एग्जांपल्स है वो यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद देखिए कुछ मेजरमेंट दिया है, जैसे कि मार्केट में जाए तो हम अगर कपड़ा लेना है तो किस में लाते हैं? मीटर में लाते हैं, है ना। अगर ऑयल लेना है या फिर मिल्क लेना है तो किस में लाते हैं? लीटर में लाते हैं। उसके बाद अगर वेट काउंट करना है या फिर शुगर, जैसे कि कोई भी ग्रॉसरी का सामान है, तो किस में लेते हैं? हम वेट में लेते हैं, जो कि केजी में होता है। तो ऐसे इसी का कुछ कन्वर्शन, जो कि आपका पेज नंबर है 13, वो आपको यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास एंड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। और उसी के बेस, मतलब जो जो हमने पढ़े एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में, तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या दिया है? इन दोनों का कन्वर्शन, मतलब वहाँ पर कहीं पर एडिशन करना है, कहीं पर सब्ट्रैक्शन करना है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हो चुका है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपको करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो है इस्टीमेशन, जो हम देखेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे इस्टीमेशन। इस्टीमेशन के लिए पता है आपको सेकंड नेम है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मीन्स जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर अगर बिल्डिंग्स वगैरह क्रैक हुई, तो जो नीचे एंकर्स क्या बताते हैं हमारे न्यूज़ के एंकर्स, करीबन इतने लोग मर गए, करीबन इतने लोग घायल हैं। तो ये करीबन का मतलब क्या है? इस्टीमेशन है, मतलब उसके करीब। फॉर एग्जाम्पल अभी और हाँ, इसमें थ्री राउंडिंग ऑफ पढ़ना है, टेंस के नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट और 1000 के नियरेस्ट। टेंस पता है आपको, टेंस, 100 और 1000, जो कि हमारी प्लेस वैल्यू है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने पढ़े हैं क्या, फर्स्ट इज वंस, लास्ट वाला डिजिट कौन सा रहता है? पीरियड हमारा वंस, सेकंड है टेंस, 100, 1000, फिर आगे जाते हैं। तो हमें ये थ्री ब्लॉक्स पढ़ने हैं, कौन से? टेंस, नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 1000। ऐसे थ्री ब्लॉक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा है? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अगर टेंस के नियरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कौन सा लिया है? 27। ओके, तो 27 टेंस, मतलब टेंस की वैल्यू, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे 20। तो 27 इज लाइज बिटवीन, नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, कौन कौन से इस पर ये है 20, यहाँ पर आपको नंबर लाइन पता है, 20 और 30 के बीच में ये वाला नंबर आएगा, 20 to 30। फिर जो मिडल है, मिडल कौन सा रहता है हमारा? 25 रहता है। तो 25 के इस साइड है ना, यहाँ पर देखो 20 है हमारी जो नंबर लाइन है, स्केल है, स्केल में कितने लाइंस रहते हैं? 10 बॉक्सेस रहते हैं और 9 लाइंस रहते हैं, करेक्ट। 1, 2, 3, 4 और ये मिडल वाली 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वाली कौन रहेगी? 30 रहेगी। हमें क्या चाहिए? 27 चाहिए। तो 27 यहाँ पर होगा, मीन्स ये 25 के राइट साइड में है। तो किसके पास है? 20 के पास है कि 30 के पास है? 30 के पास है, मीन्स इट इज़ नियरर टू 30। तो इसका जो राउंड ऑफ नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 30। क्या बनेगा? 30। तो लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें 27 का क्या निकालना है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस निकाला है, तो हम लिखेंगे 27 lies between किन दोनों के बीच लाइज कर रहे हैं? 20 and 30। ओके, इट इज़ नियरर टू, अगर 25 के लेफ्ट साइड में है तो 20 के तरफ आएगा, अगर 25 के राइट साइड में है तो वो 30 के तरफ आएगा। इट इज़ नियरर टू 30। अगर 25 के लेफ्ट साइड में आया होता, जैसे कि 21, 22,
23, 24 अगर ऐसे नंबर्स होते तो इट इज़ नियर टू 20 होता, लेकिन अगर 27 है 25 के इधर 25 आएगा या फिर 26, 27, 28, 29 इट इज़ ऑल नियरर टू 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नियरर टू 30, देयरफॉर राउंड ऑफ नंबर इज, राउंड ऑफ नंबर इज 30। मीन्स 27, राउंड ऑफ 27 इज 30। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है, 1.4 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। मैंने क्या कहा, अगर फोर डिजिट्स है तो फोर किसके पास आएंगे, फर्स्ट वाले, मतलब 21, 22, 23, 24। और 25 अगर है मिडल में है तो किसके नियरर जाएगा, 30 के नियरर जाएगा। ओके, तो इसमें देखो 6 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको, हम ले रहे हैं कौन सा, फिफ्थ आपका है 26,925, है ना, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हमें क्वेश्चन कहा है फाइंड आउट टू द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस कहा है। टेंस मतलब लास्ट के दो डिजिट, टेंस मतलब लास्ट के दो डिजिट ढूंढना है। ये तो ऑलरेडी 27 था, ऑलरेडी टू डिजिट नंबर था, तो कोई भी कितना भी डिजिट नंबर हो, या फिर फोर डिजिट्स हो या फिर फाइव डिजिट नंबर हो, कोई भी डिजिट्स का हम राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा, इट इज़ लाइज बिटवीन, अभी देखो ये लास्ट वाला कौन है 25, मीन्स इट इज़ लाइज बिटवीन 20 एंड 30, तो हम 20 एंड 30 लिखेंगे क्या, नहीं, 26,920 एंड 26,930, 26925 लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन किसके नियर है, 26,920 एंड 26,930। फिर 20 और 30 में किसके तरफ जा रहा है, 5 के एकदम मिडल में है, 5 में है, तो क्या बताए, 5 में अगर है तो 5 में सिचुएटेड है तो राइट साइड जाएगा ना, 30 जाएगा। मीन्स इट इज़ नियरर टू, इट इज़ नियरर टू, नियरर टू 26,930। सो नीचे क्या लिखते हैं हम, राउंड ऑफ नंबर इज, राउंड ऑफ नंबर इज 26,930। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नाउ एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। टेंस में हमने क्या किए थे, लास्ट के दो डिजिट्स मतलब टेंस प्लेस देखी थी, यहाँ पर हमें कौन सी ढूंढनी है, 100 प्लेस। जैसे कि एग्जांपल लिया है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, जो कि आपका एक्सरसाइज है 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस राउंडिंग ऑफ टू द नंबर, हम यही एग्जांपल लेके आज सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये एक्सरसाइज का है 2124, तो इसकी 100 वाली प्लेस देखिए क्या है, 1124 मीन्स 124 दिया है। तो इट इज़ लाइज बिटवीन, यहाँ पर क्या है, जैसे टेंस में टेंस के प्लेस पे लाइज हो रही थी, जैसे 20, 30, 40, 50 मतलब लास्ट के दो डिजिट्स में वो लाइज होती है, लेकिन यहाँ पर 100 है तो 100 के प्लेस पे राउंडिंग ऑफ होगी या फिर लाइज करेगी। तो यहाँ पर 3124 इट इज़ लाइज बिटवीन क्या आएगा, 3124 लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन 100 वाली प्लेस देखिए, 100 कौन सी है, बिटवीन देखो 3100 और यहाँ पर आएगा 3200, मतलब 3100 एंड 3200 के बीच में कहीं ना कहीं पर, मतलब इन दो स्पेस के जगह कौन है, 3124 छुपा है। तो जैसे टेंस केस में 5 के लेफ्ट साइड वाली प्लेस इधर थी और लेफ्ट साइड वाली, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर बीच में कौन आएगा, 100, और 200 के मिडल में कौन आता है, 3150 आएगा ये। तो अभी ये देखिए 3124 50 के लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, 100 आएगा, 3102 आएगा, है ना, तो इस साइड दिख रहा है हमें। मीन्स इट इज़ नियरर टू
3100. सो राउंडिंग ऑफ नंबर इज 3100. तो इसे लिखेंगे कैसे, 3124 लाइज बिटवीन 3100 एंड 3200. Therefore, it is nearer to 3100. So राउंडिंग ऑफ नंबर इज 3100. समझ में आ रहा है? टेंस के प्लेस में लास्ट वाले टेंस की प्लेस देखना है और 100 वाले प्लेस में कौन से लास्ट के थ्री डिजिट्स मतलब 100 प्लेस देखना है. सेम किसका होगा, नियरेस्ट टू 1000 का होगा, तो 1000 के जगह लास्ट के फोर डिजिट मतलब 1000 वाली प्लेस. तो यहाँ पर देखिए कौन सा एग्जांपल दिया है हमें, 26012 दिया है. 26012 तो 26 इट इज किस में लाइज होगा, है ना? अगर 26 ये नंबर है तो कहाँ पर लाइज होगा, 26000 और 27000 मतलब इन दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं पर नंबर है. तो जब हम ढूंढेंगे तो 6000 और 7000 के बीच कौन आएगा, मिडल वाली वैल्यू 26500 आएगा. तो अगर 500 के राइट साइड में है तो 27 के पास है, 27000 के पास है. अगर लेफ्ट साइड में है तो 26000 के पास है, ठीक है? लेकिन हमारा नंबर है 26012, तो हमें साफ दिख रहा है कि वो है ना, इट इज़ नियरर टू 26000. सो इट्स राउंड ऑफ नंबर इज 26000. तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ लाइज बिटवीन कौन सी इसमें है, 26000 एंड 27000. ओके, इट इज़ नियरर टू 26000. तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस राउंड ऑफ नंबर इज 26000. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो है आपके एक्सरसाइज के, जो कि है आपका एक्सरसाइज 1.4. ठीक है, तो 1.4 में देखो 4 क्वेश्चन है जो आपको बाकी के सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट है टू द नियरेस्ट 10, सेकंड है टू द नियरेस्ट 100 एंड थर्ड है टू द नियरेस्ट 1000. तो आपको जो बाकी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हाँ नंबर लाइन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन लिखते वक्त हम ऐसा लिखेंगे. वैसे ही सेम यहाँ पर है, और नियरेस्ट 10 में भी नंबर लाइन कंपलसरी नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बताई गई थी. तो लिखते वक्त सॉल्यूशन इस तरीके का आपको लिखना है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट ऑल द नंबर विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज 420. तो 420 के नियरेस्ट जितने नंबर्स आते, अभी तक हमने क्या 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 किया, नंबर दिया था उसका नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर ढूंढा था. अभी राउंडिंग ऑफ नंबर 420 दिया है टू द नियरेस्ट टेंस, उसके जो नंबर्स है वो ढूंढना है. हमें नंबर दिया था, हमने राउंडिंग ऑफ नंबर ढूंढा, अभी उल्टा दिया है. तो वो बहुत ईजी है जो कि आपको करना है, ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़े, सिंगल पढ़े, मतलब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है? तो अभी हम इसकी क्या करेंगे, सम सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन विथ मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपका एक्सरसाइज है 1.5. तो देखिए जो आपका एक्सरसाइज 1.5 है, तो पेज नंबर ओपन कीजिए 19, ठीक है? 19 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी में क्या करना है, एस्टिमेट द सम सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट करना है. तो हम फर्स्ट देख रहे हैं, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. क्या करना है, टू द नियरेस्ट 100 फाइंड करना है, उसके बाद दोनों की एस्टिमेशन सम निकालने हैं. तो हमने अभी टू द नियरेस्ट 10 कैसे निकालते, टू द नियरेस्ट 100 कैसे निकालते, या फिर टू द नियरेस्ट 1000 कैसे निकालते, ये हमने पढ़े हैं. फिर उसी के सिर्फ सम करना है ना, इसके बाद वाली स्टेप है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं. क्या निकालना है, टू द नियरेस्ट 100 निकालना है. तो 100 अगर कहा तो हम क्या करते हैं, 100 की प्लेस है ना, फिर 600 पहले फर्स्ट डिजिट है हमारा 692, तो 692 की एस्टिमेशन नंबर या फिर राउंडिंग ऑफ नंबर निकालना होगा ना,
692 is round off to the, is round off to the. अभी देखो, अभी जब हमने इसके पहले के एक्सरसाइज किए तो हमने लिखे, फिर इट इज़ नियर लाइज बिटवीन, इट इज़ नियर और टू, है ना, फिर उसका राउंड ऑफ नंबर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो 692 किस में हो रहा है ना, 692, 600 प्लेस कौन सी है, 600 है, मीन्स इट इज़ लाइज बिटवीन 600 एंड 700, फिर 692 650 के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, 92 है मतलब पास में होगा, है ना, तो 700, इट इज़ राउंडिंग ऑफ टू द 700. तो अभी यहाँ पर सम कर रहे, इस्टीमेशन सम कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा. इसके पहले के एग्जांपल्स में क्या है, वहाँ पर हमें दिखाना है कि राउंडिंग ऑफ कैसे आता है, तो वहाँ पर वो 3 या 4 स्टेप है, वो दिखाना लिखना है आपको, ठीक है. उसके बाद ना सेकंड नंबर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, 237, तो यहाँ पर लिखेंगे 237 इज राउंड ऑफ टू द, राउंड ऑफ टू द. अभी ये बताइए 237 इट इज लाइज बिटवीन 200 एंड 300. 2 एंड 300 क्यों है, 30 या फिर 40 क्यों नहीं है, 230 या फिर 240 क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इट इज लाइज बिटवीन 200 एंड 300. 250 मिडल में आएगा, तो लेफ्ट साइड आ रहा है कि राइट साइड आ रहा है, 237 है तो हाँ, ये किसके पास आ रहा है, 200 के पास आ रहा है, मीन्स इट इज इट्स राउंड ऑफ नंबर इज 200. फिर क्या करना है, हमें एडिशन करनी है, क्या करनी है, एडिशन, तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू किसकी सम, इन दोनों की सम करना है, नहीं, राउंड ऑफ नंबर कौन से है, 700 प्लस 200 क्या है, 900. समझ में आ रहा है, ठीक है. हमने क्या किया है, जो फर्स्ट नंबर था उसका राउंड ऑफ निकाले टू द नियरेस्ट 100, सेकंड नंबर है उसका टू द नियरेस्ट 100 निकाले राउंड ऑफ नंबर, और जो राउंड ऑफ नंबर आए, एस्टिमेशन वैल्यू आए 700 और 200, इसकी क्या किए, एडिशन. सेम हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. वहाँ पर डिफरेंस निकालना है लेकिन टू द नियरेस्ट 100. तो आपको वहाँ पर भी कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट मैं ले रही हूँ, बाकी 3 आपको सॉल्व करना है, वैसे ही करेंगे. तो हम बताइए 883 इट इज़ लाइज बिटवीन किस में आएगा, 100 वाली प्लेस ढूंढना है, 800 और 900 के बीच में, है ना, तो 900 के पास आएगा क्योंकि हमारा नंबर कौन सा है, 883 राउंड ऑफ टू द, राउंड ऑफ टू द कौन सा है, 900 है. सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, 466 इज राउंड ऑफ टू द, इज राउंड ऑफ टू द, इज राउंड ऑफ टू द 466, इट इज लाइज बिटवीन 400 एंड 500, तो 450 के ऊपर है तो 500 के तरफ, मीन्स 500. लेकिन इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 883 माइनस 466 करेंगे क्या, हमें सिंपल नहीं निकालना है, हमें एस्टिमेशन सम डिफरेंस निकालना है, इसलिए 900 माइनस 500 ठीक है. तो ये हुआ डिफरेंस, एस्टिमेशन डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस है क्या, नहीं. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया है, प्रोडक्ट निकालना है, हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन यहाँ पर हमें एस्टिमेशन का प्रोडक्ट निकालना है. एस्टिमेशन मतलब जैसे कि देखो, फर्स्ट तो इजी है, 28 और 67 टू द नियरेस्ट टेंस दोनों में करोगे, है ना, 28 का टू द नियरेस्ट टेंस ढूंढना है, 67 का टू द नियरेस्ट टेंस ढूंढना है. लेकिन सेकंड में देखो, एक 79 है और एक 192 है, और वहाँ पर तो कुछ दिया भी नहीं है कि टू द नियरेस्ट 100 या फिर टू द नियरेस्ट 1000, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, देखो फर्स्ट कौन सा डिजिट है, 79, टू डिजिट नंबर है, इसलिए टू द नियरेस्ट टेंस निकालेंगे, और सेकंड है 192, मतलब 3 डिजिट नंबर है, इसलिए टू द नियरेस्ट 100 निकालेंगे, और जो एस्टिमेशन आएगा उसका प्रोडक्ट लेंगे. 79 इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट
टू द नियरेस्ट क्या निकालेंगे यहाँ पर, टेंस निकालेंगे, टू द नियरेस्ट टेंस इज। तो अभी देखो 79 का टू द नियरेस्ट टेंस कौन आएगा, 79 इज लाइज बिटवीन 70 एंड 80, इट इज नियरर टू 80, सो राउंड ऑफ नंबर इज 80। रफ देन 192 इज राउंड ऑफ टू दी, इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट यहाँ पर क्या निकालेंगे 100 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर दिया है 100 इज। तो अभी देखो 192 100, इट इज लाइज बिटवीन 100 एंड 200 एंड इट इज नियरर टू किसके पास है, 200 के पास है, इट इज 100 मीन्स राउंड ऑफ नंबर इज 200। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। हमें सिंपल प्रोडक्ट नहीं निकालना है, अगर ऐसे सिंपल प्रोडक्ट होता तो हम डायरेक्टली 192 मल्टीप्लाइड बाय 79 लिख लेते, लेकिन हमें इस्टीमेशन का प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 200, सिंपल 8 टू जा 16 एंड काउंट ऑल दी जीरो, मीन्स अवर इस्टीमेशन प्रोडक्ट इज 16,000। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी दिया है, इस्टीमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच टू द नियरेस्ट रूपी। अभी क्या दिया है, रुपीज में दिया है, तो अभी आपको तो पता होगा 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे होता है। ठीक है, 5.26 है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 5.26, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे 1 रुपीज़ है या फिर 5 रुपीज़ है, 5.26 है, तो इट इज़ लाइज बिटवीन 5 एंड 6। अगर 50 के लेस है तो 5 के पास, अगर 50 के ऊपर है तो 6 के पास, है ना। तो 5.26 इज नियरर टू, इज राउंड ऑफ टू दी, इज राउंड ऑफ टू रुपीस, किसके पास है, 5 के पास है कि 6 के पास, इसीलिए 5 के पास, बिकॉज इट इज़ नियरर टू 5। अगर 6 के पास होता तो हम इट इज़ नियरर टू 6 लिखते। इसके बाद 2.85, इट इज़ नियरर टू, इट इज़ राउंड ऑफ टू दी, राउंड ऑफ 2 रुपीस, तो 2.85 है ना, तो इट इज़ लाइज बिटवीन 2 एंड 3, फिर 85 है इसलिए इट इज़ नियरर टू 3, सो रुपीज 3। लेकिन क्या करना है, एडिशन करनी है, वहाँ पर एडिशन का साइन है, इसलिए रिक्वायर्ड सम। तो इन दोनों की एडिशन करेंगे क्या, नहीं, जो हमारा इस्टीमेशन नंबर है, कौन सा इस्टीमेशन नंबर है, रुपीज 5 प्लस रुपीज 3, 5 प्लस 3 रुपीज 8। ठीक है, तो आपको इसी के जैसे देखो रुपीज दिया है, सेकंड है 1.78, 6.82, तो इसी के जैसा आपको रुपीज़ में दिया है, तो रुपीज़ का कन्वर्शन रुपीज़ में ही करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 5 और 3 का किया। इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन है, इस्टीमेट द फॉलोइंग रिजल्ट। अभी इस्टीमेट द फॉलोइंग रिजल्ट में एक एडिशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का है और 2 मल्टीप्लिकेशन के हैं एग्जाम्पल्स जो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज जो हमने 1.5 ली है, इन 1.5 में इस्टीमेशन सम, इस्टीमेशन डिफरेंस एंड इस्टीमेशन प्रोडक्ट ये हमने सीखे हैं। ओके, तो इसके बाद हमें पढ़ना है रोमन नंबर या फिर रोमन न्यूमेरस। तो जैसे हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं वैसे ही रोमन में होते हैं, ये आपको पता है और फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपको आपने स्टडी भी किए होंगे। तो रोमन नंबर्स में रोमन न्यूमेरल, तो आपको पता होगा आई मीन्स क्या होता है 1, और 2 को हम क्या लिखते हैं डबल आई, और 3 को क्या लिखेंगे 3 आई आई आई, है ना। लेकिन 4 को 4i लिखेंगे क्या, नहीं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखते क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 ये बड़ा नंबर है और 5 हमें क्या, हम किससे लिखते हैं, वी से डिनोट करते, 5 इज डिनोटेड बाय वी, फिर 5 से छोटा है तो क्या लिखते हैं आई वी, आई वी मीन्स क्या होता है 4, 6 मीन्स क्या होगा 6, वी आई मीन्स 6, वी डबल आई 7, वी ट्रिपल आई क्या होगा 8। जैसे मैंने कहा कि 4i वैसे नहीं लिख सकते, तो इसे कहते हैं मीनिंगलेस,
क्या कहते हैं, मीनिंगलेस, जो हम लिख नहीं सकते, जो हम रीड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को मीनिंगलेस रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर 9 लिखना है, क्या लिखना है, 9, तो हम ऐसे लिखते क्या, वी आई आई आई, 4i लिखते क्या, नहीं लिखते। हमें क्या, हमें 10 की वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू कौन सी है, x, कौन सी है, x, तो हम 9 को क्या लिखते हैं, ix। तो जो हम रीड या फिर राइट नहीं कर सकते उसे कहते हैं मीनिंगलेस रोमन न्यूमेरल। ओके, तो ये पता है, तो आपको क्या करना है, जो कि आपका पेज नंबर है 20, पेज नंबर कौन सा है आपका 20, वहाँ पर आपको देखो रोमन न्यूमेरल साइड में हिंदू अरेबिक न्यूमेरल दिया है, तो वो आपको नोटबुक में लिखना है फ्रॉम 1 to 100 तक, और पता है वी एल सी डी और यम, ये पता है ना, एल सी डी और एम, तो इसका मतलब ये क्या हो, एल को कौन सा नंबर कहते हैं, सी को कहते हैं, डी को भी कहते हैं और एम को भी लिखते हैं, तो वो कौन से नंबर्स है, जैसे मैंने बताया आई को क्या लिखते हैं 1, एक्स को क्या लिखते हैं 10, तो 1 to 100 तक रोमन नंबर्स लिखना है साइड में, उसके बाद सी डी और एम का भी मीनिंग लिखना है, मतलब वो कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद एडिशन कैसे करते हैं या फिर 32 कैसे लिखा जाता, आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 है वो पूरी डिपेंड है रोमन न्यूमेरल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन है नोविंग अवर नंबर्स, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप ग्रुप पे पूछो या फिर मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।